प्रकार के प्रयास के बाद यहाँ पर संग्राम की निगरानी में एक और टीम खेलेंगे फाइनल मुकाबला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इस साल के दो चैंपियन टीम को, जो कि फाइनल मुकाबला खेलने के लिए धीरे 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 से यहाँ पर मैदान के बीच के नियम के तहत ग्राउंड के अंदर यहाँ पर लगाया गया है। आज टूर्नामेंट उनके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश खंडाई जी, उनके साथ साथ सब हमारे जो क्लब के संरक्षक मिस्टर गौरव देवगम, मिस्टर जय सिंह हिसा, मिस्टर निलंबर खंडायत, कांग्रेस परिवार के समस्त जो अपने अपने पद में उपस्थित है, जिला पे हो या ब्लॉक के स्तरीय में हो, उन सबों की उपस्थिति में मुकाबला को उद्घाटन किया जाएगा। फाइनल मुकाबला को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। सभी अतिथि के साथ साथ हमारे क्लब के वीडियो के साथ फोटो क्लिक के सारे कार्यों को संभालते हुए यूट्यूबर हरीश स्पोर्ट जी और काफी लंबे लाइन है हमारे अतिथियों की। आज के दिन में काफी लाजवाब टूर्नामेंट बिग टू पद की ओर से आयोजित पल वो सुनहरे पल वो आखिरी नमी में हम सबको हो चुके हैं, मौजूद हो चुके हैं। और कौन से एक खिलाड़ी होंगे अठारह खिलाड़ी में से, कौन से खिलाड़ी होंगे अठारह खिलाड़ी में से जिसको हम हीरो रेंजर सभी यानी इस टूर्नामेंट में जो स्पॉन्सर किए हुए हैं अनंत कुमार महंतो, डॉक्टर अनंत कुमार महंतो जो कमला मेडिकल की ओर से, और मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज ये टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं बढ़िया मौका, एक टीम ग्रुप ए में चैंपियन बना था और दो दिन तक रेस्ट करके आए हुए हैं, एक टीम कल के दिन और एक मुकाबला खेल के आई हुई है, मेहनत करना होगा। यहाँ पे टीम रतांगो जिनके पास सचिन बारी जैसे चर्चित खिलाड़ी, कोरबा जैसे क्लब में मौजूद है, सोलह में यहाँ पर विफल रहे, प्रयास कमाल के उनके ऊपर कहने के पुरस्कार का बरसात हुआ आया जाए। ये गोल दागे या ना दागे फिर भी हजार रुपया, और गोल दागते तो भी हजार रुपया, गोल दागते हैं तो 1500 हो जाएगा, अगर गोल नहीं दागते तो हजार रुपया से संतुष्ट होना पड़ेगा सचिन बारी को। अगली मैच के साथ अजय निश्चित तौर पर पूरी तरह से यहाँ पर गर्मा गर्मी मुकाबला और यहाँ पर धूल उठ चुकी है मैदान के जो बीचों बीच, ये बीच यहाँ पर दर्शी नंबर 10 थोड़ी सी गेंद को रोकने में असफल। और चलिए यहाँ पर कल्याण युवा मंच बिंग तुपंग, तो एक इसी प्रकार की नाम है टिकायत दी जो कि कल्याण मंच बूढ़ी घोड़ा, हूबहू उसी के टक्कर में ये जो है मैदान में भीड़ और सजावट नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर जितने भी तारीफ की जाए एज ए कमेटी परिवार की उतने ही कम होगी, क्योंकि एक बेहतरीन टूर्नामेंट को जो है उन्होंने हर साल खिलाड़ियों को लेकर आते हैं। और इस समय सचिन बारी सामने होंगे अर्जुन, चलिए यहां पर हौसला बुलंद है दर्शकों की और अपने टीम की जो है हौसला ऊंचाई कर रहे हैं, टीम के समर्थक हैं। और जैसे ही गोल आती है सुभाष खंडायत जी के द्वारा 200 रुपए का नगद राशि जो दी जाएगी, और जर्सी नंबर 7 सचिन बारी अगर गोल करते हैं तो उनको भी 1000 रुपए दिया जाएगा। तो चलिए यहां पर नजर होगी पूरी तरह से यहां पर मैदान चारों ओर खसाखस दर्शक दर्शिकाओं से है भरी पड़ी है। चलिए यहां पर जोर से लिया गया कि एक आसान नहीं होगा, एक दूसरे को मात देना आसान नहीं होगा और काफी मशक्कत मुश्किल करना होगा, हेड शॉट एक करनी होगी और फिर ताकत को ठोक देना होगा इस फाइनल मुकाबले में। ये है सचिन, स्किलफुल प्लेयर है, काफी युवा प्लेयर है। और इनकी कोच की बात करें तो भैया लाल आ रहे हैं, जीतू बारी के देख रेख में एक खिलाड़ी जो है अपने करियर को जो फुटबॉल में संवर चुके हैं, और हमारे मेंबर थोड़ा सा आप मुहैया करेंगे मैदान के चारों ओर थोड़ा सा आप लोग घूम लेंगे। और इस समय गेंद को छीने में सफल लामाडी जर्सी नंबर 11, कमाल की स्पीड यहां पर जादू के लिए गेंद को निकाला है, और जादू जर्सी नंबर 10 जर्सी नंबर 11 के लिए अच्छी कोऑर्डिनेशन, वो बिल्कुल कॉर्नर लाइन के इर्द गिर्द, लेकिन हर बड़े लग तक के टूर्नामेंट जो है इनकी टीम लगा इस बड़ी शिरकत करती है। और इस समय गेंद दर्शन 8
जादू के लिए गेल, जादू के बाद जर्सी नंबर 8। चलिए आपके पास सुनहरा अवसर है 200 रुपया प्राप्त करने का। आप पहला गोल मारिए, ले जाइए 200 रुपया का नगद राशि। सुभाष खंडायत जी के सौजन्य से सुंदर सुंदर के बाद में अच्छी गेंद, यहां पर मौका बनेगी कमाल का, यहां पर अफट और गोलकीपर उतने ही मुस्तैद। ध्यान देंगे भाई, मेले आए और दर्शक दर्शिकाएं, पूरी सुरक्षा कर्मी को बहाल किया गया है, पुलिस बल को भी यहां पर जोड़ा गया है और पूरी तरह से अपने कार्यभार को जो अंजाम दे रहे हैं, इसलिए आप लोग गलती की बिल्कुल विचार भी ना लाए अपने मन पर। जर्सी नंबर 11 नामांडी फुटबॉल टीम, जर्सी नंबर 17 की बात होने पर जर्सी नंबर 11 अच्छी गेंद, जोगेंद्र जोतो ये अच्छे खिलाड़ी हैं, मॉर्निंग स्टार मतलब जिसे क्लब के हिस्सा रह चुके हैं और आज अपने ही क्षेत्र से अब एक बेहतरीन टीम को संजो कर लाए हैं और रिजल्ट अभी तक जो है इक्वल पोजिशन पर, यानी कि कौन सी टीम जो है होंगे अपने टीम को पहले मैदानी गोल कर एक दूसरे की मदद भरने में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। हाँ निश्चित रूप से आजाद जी, यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगा मुकाबला, पर गोल आया नहीं है। अपनों देखो चलते फाइनल खेलो को ए हो चित्तौड़ी तो से चौमेटर ग्रैंड मेगा फाइनल कोड़ा कोर से तो ब्लू कोर जो सिर अपनों जो टीम को देखो चलते से टीम हो इसे फुटबॉल टीम है देखिए नमाड़े लाली कोर जो सिर अपनों जो टीम को देखो चलते से टीम हो इसे फुटबॉल टीम रतांगो एमसी मध्य रे चौथे वर्ष टॉमेटो फाइनल खेलो का प्रो प्रो करते सुंदर नेता जैसे मटे हैं बोग बोल टीम ने आपको बोला चेस्टा सुंदर नेता जैसे वो 9 पाई दीपक आईपर दमदार प्रेस में सुभाष खंडायत जी के द्वारा पहला गोल। हुआ था अगर नामाड़ी फुटबॉल टीम कैसे जो भी पहला गोल दाता होंगे यहां पर 200 रुपए जो है आप आपके अकाउंट में डाला जाएगा। और चलिए पहला झटका इस समय, पहला झटका इस समय लगता हुआ डिकायल से एक और क्या खेला है आज ने रतांगो एफसी, 2 दिन रेस्ट किया था लेकिन उनके पास भी अच्छे अच्छे हथियार मौजूद है, कभी भी अपने पिटारे से एटम बम से लेकर के मिसाइल को छोड़ने का दम रखता है, वो है रतंगो एफसी जिनके पास सचिन पारी जैसे चाचित खिलाड़ी ये मैच के मुख्य पोस्टर के तौर पर नजर आते हुए संग्राम मुर्मू उनके साथ साथ मान सिंह AR1 पे और AR2 में मौजूद है, सूरज मोहतब सिंह के तौर पर पूरी तरह से यहाँ पर अपने कार्य को संभालते हुए मैच से पुनामी 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 आगे धीरे धीरे से गेंद को लेकर यहाँ पे दसम बार आगे निकलने का प्रयास करता हुआ और इस दरमियान पुनः गेंद के साथ दस नंबर 9 सुंदर पास सचिन बारी पाई, सचिन बारी पॉइंट थोड़े जैसे सहज के प्रदेश दस नंबर पाई दस नंबर प्यार पूछे सचिन पाई कष्ट करिबा को पड़िबो किसी मुहूर्त बहुत कोट ना परिश्रम करिबा को पड़िबो टीम में रतांगो एफसी के खेल कमबैक करिबा को भेले धीरे धीरे पहुंचे बॉल टी होल्ड करा पड़े सचिन प्ले ऑन रो इशारा करचंती मिडिल रेफरी एबे भी बॉल हो 7 नंबर पकड़ ही देखिए बॉल पोजीशन है सचिन बारी सुंदर कंट्रोल सुंदर नियंत्रण 10 नंबर तीव्र गति से तक बड़े चेष्टा रे बॉल टी को हुसैन आवाज पोसिंग एन ऑपरेट नो नंबर 12 फाउल ऑन द मिस कंडक्ट है सुंदर रेफरी हुसैन आवाज सुनवा को मिलता है अगले वर्ष के साथ। चलिए यहां पर ओपन फाउल देखा गया है और ये जर्सी नंबर 8 के द्वारा इस समय और सचिन गेंद को लेने पसंद करेंगे कि गेंद को सजा चुके हैं और सचिन के पास फुटबॉल की सभी कला जो है कूट कूट कर भरी है टिकैत जी। सचिन जर्सी नंबर 7 चलिए आज ये दूसरा
उनका प्रयास था, दशा में भी परिवर्तन करना होगा और खेल की रणनीति में भी परिवर्तन करना होगा। अगला आवाज के साथ एक बार आप सब साहिता कमेंटेटर स्वागत करना चाहता हूँ कि आपका मधुर वाणी के साथ तमाम दर्शकों को आप लंबावित करेंगे। टीका नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुकाबला बहुत सुंदर, काफी लादबाब, इतनी लादबाब तरीके से यहाँ पर चल रहा है कि ऐसे लग रहा है मानो मुकाबला पर कभी भी गोल वापस या गोल डाल सकते हैं। टीम रतंग हुए, डेंजर कलर के जस्ते पहने हुए लेकिन डेंजर अभी तक कर नहीं पाए टीम रतंग हुए। कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जहान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जहान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसला सुनाना भरा जाता है। लेकिन यहाँ पे जश्न मनाइन आखिर बनने की प्रयास करते हुए फोर पर्सन को ब्रेक पास करेंगे मुकाबला पर धीरे धीरे से मुकाबला काफी कमाल का। दर्शकों की तादाद अभी भी कहने गए रतंग हुए कि इतने सारे समर्थक आए हुए हैं, उन सब की यहाँ पर सोच अभी भी है कि भाई जरूर रतंग हुए की टीम वापसी करेंगे। बातों में कहा जाता है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो क्योंकि वो इंसान बनाया है। अरे मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो क्योंकि वो इंसान बनाया है, किसी की मोहब्बत ना तोड़ो क्योंकि वो भगवान ने बनाया है। और मुकाबला पर अभी भी अगर देखा जाए गोल दागने में कहने के नकाम है रतंग हुए, अब से रतंग हुए रतंग हुए चार नंबर के पास गेंद प्लेना पर फोर टू नंबर के पास गेंद तीन नंबर यहाँ पर गेंद खोल करते हुए बहुत नेक से गेंद यहाँ पर रिलीज किया चार नंबर के लिए। बढ़िया मौका यहाँ पे वापस यहाँ गोल लगने के लिए स्किल करने की प्रयास गलती किया वहां पे गेंद जाएगा अभी भी टीम रतंगोई के पास नहीं, रतंगोई के जश्न बदस्सी के पास गेंद खतरा पे खतरा खतरा पे खतरा गोलकीपर अर्जुन आएंगे और संभालेंगे परिस्थिति को, गेंद को अपने हाथ में यहाँ पर लपकते हुए आप मन को बोलेतना नेम से मेरिया अब मन को मुचर लू बोलेतना जो कि फाइनल होने बीच रे डाउन मार लंबा मार रुकावट के लिए क्षमा चाहूंगा। सेकेंड हाफ में अनु अभिमान को अनु फिर लेता ना फाइनल अनु चिरके हो बनते तोड़ कर रेल के गुरु चावल करना बॉल आपके तारे के टाई की नहीं रमेंते एडवांटेज के मगर रहे फिर संग्राम देखें बॉल नीचे पकड़ रोहित ला वर्तमान पर जंतु सचिन पकड़ और सचिन मारी दमदार कोमर से तो शॉट नहीं चलती अति सद कोटा कोटी बॉल गोलर बाहर को चले जीवो गोल के ऊपर हो जाए फिर बेट मुख्य पर्याय कोई चंती कोर्नर किक के सारा संकेत दे सर चंती वर्तमान है कोर्नर किक ने बापाई टीम है रतंगो एफसी रतंगो पकड़े वर्तमान में सुजोग समय रही से कमबैक करे पाए सुंदर असिस्ट प्लेयर नंबर 9 पाई सुजोग पर पॉजिटिव चेष्टा शॉट नहीं चलती धीरे 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 बॉल गोल लाइन बाहर को संग्राम मरमो सचिन बारी काउंटर काउंटी फाउल रो मांग रही से छोटिया हल्का टकरार देखने को मिलता है छोटा सा यहाँ पर कहने के दोनों टीम के अंदर टकरार देखने को मिलता है विदाउट गोल दोनों ही खिलाड़ी गेंद पे जा रहे थे इसीलिए रेफरी यहाँ पर संग्राम उस फाउल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लगा है। वजह यह था कि दोनों खिलाड़ी गेंद पे जा रहे थे। इस वक्त कॉर्नर किक का मौका रतंगोई के लिए यह बढ़िया मौका हो सकता है इस समय वापसी का गोल ताकने के लिए रतंगोई सुंदर शॉट की जरूरत था ले नहीं पाए गेंद गोल लाइन से बाहर जाता हुआ बेहतर से बेहतर की तलाश लेकिन आखिर में मैन की
क्या मुकाबला है जी, कितनी कमाल के मुकाबला। ऐसा लग नहीं रहा था कि आज ये बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मुकाबला अंतिम राहों में, अंतिम पल में यहाँ पर बढ़ता हुआ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होगा टीम को। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन। अरे मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो कि घर से निकलते ही नहीं। मुकाबला कितने कमाल का। मैं जाऊंगा अजय हेमराम के पास इस मुकाबला का होते हाल सुनाने के। स्वागत करता माइक्रोफोन पर। बिल्कुल, यहाँ पर जादू भाई, जादू की जादू अभी चली रही, लेकिन दोनों खिलाड़ी उनको रोकने के लिए यहाँ पर आगे आए हैं। जर्खी नंबर दो बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर की दिशा पर उनके साथ यहाँ पर गिर चुके हैं। और दर्शक बंधु, आप लोग थोड़ा सा पैर को जो पसा रहे हैं पीछे कर देंगे, अगर खिलाड़ी आपके ऊपर गिर पड़ते हैं तो आप ही को नुकसान होगी। और चलिए यहाँ पर एक मौका बनेगा थ्रोइन का, और काफी यहां से नजर दिख नहीं रही है, काफी खसाकस दर्शकों के बीच से यहां पर लंबी थ्रो हुई है, और सबसे लंबा थ्रो इन कहां जाएगा। जर्सी नंबर 11 इन्हीं के नाम 200 रुपये का राशि जो है इनको आवंटन किया जाएगा, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी विधायक सुभाष खंडायत जी के द्वारा कि सुरेन स्टार नाबार्डी फुटबॉल टीम के और पहले जो भी गोल करते हैं उनको हम 200 रुपया से जो है सम्मानित करेंगे। चलिए यहाँ पर लगभग ये मैच के अंतिम पड़ाव है, और कहते हैं मैं असफलता की चुनौती को स्वीकार करो, जहां गलती हो वहां सुधार करो। असफलता की चुनौती को स्वीकार करो, जहां गलती हो वहां सुधार करो। ऐसे जयकार नहीं होती है मेरे दोस्त, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यही कोशिश अंतिम समय तक संग्राम जी के अंतिम हुसिल तक जो है नातागाई फुटबॉल टीम को करना होगा। टिकैत जी, निश्चित रूप से अजय, आज मुकाबला के साथ साथ हमारे खिलाड़ियों ने तो यहाँ पर दौड़ लगाया है 3 दिन से, लेकिन दर्शकों को दौड़ लगाने के समय आ चुका है। वो समय कहने कहीं 6 बजे से 7 बजे के बीच में आ जाने वाला है, और वो है झिलिंगताड़ अलग हो रही है हगड़ उसी को आप मन को लगे आगू बढ़ रहे हैं।